आम आदमी पार्टी हैज अनाउंस दैट रितीशी विल बी टेकिंग ओथ्स टुडे एज द चीफ मिनिस्टर एज पर सोर्सेज द टाइमिंग दैट वी आर करंटली गेटिंग टू नो इज अराउंड 4:30 PM ऑफ द ओथ्स टेकिंग सेरेमनी शी अलॉन्ग विद हर फाइव मिनिस्टर्स विल ऑल्सो बी टेकिंग एन ओथ्स जी आदित्य जी हमने अभी यही जाना है कि आतिशी और उनके मिनिस्टर्स आज तकरीबन 4:30 PM ओथ लेंगे आप हमें कुछ ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में बता सकते हैं जी ये जो ओथ सेरेमनी होना है अभी तक ये कौन कौन लोग शामिल होंगे क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही देर से शुरू हुई है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अचानक से इस्तीफे का ऐलान किया और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने कल जो इस्तीफे को मंजूरी दी उसके बाद जो आतिशी और पांच जो मंत्री हैं उनको आगे आने की बात की उनको मंत्रालय देने की जो अनुशंसा किया है उसके बाद आज क्या क्या होना है इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है क्योंकि अभी भी इस तरीके से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं क्योंकि हम जब भी आम आदमी पार्टी ऑफिस बैठते हैं तो डिस्कशन करते हैं बात करने की कोशिश करते हैं तो जो सूत्र हमें बताते हैं उसके अनुसार आज 4:30 PM 5 PM के बीच में आतिशी जो एलजी के सामने जाकर के वो शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अभी कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं क्या पांच मंत्रियों के अलावा आतिशी के अलावा क्या उनके फैमिली मेंबर क्या उनके और भी कोई लोग शामिल होंगे इसके बारे में भी स्थिति साफ नहीं है ये जब क्योंकि जिस तरीके से एलजी के ऑफिस में जब तक पेपर्स नहीं पहुंचते या ये भी हो सकता है कि एलजी पेपर पहुंचने के बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करके सार्वजनिक करे सूचना जो है वो सबके सामने रखे बातों को उसके बाद स्थिति और साफ हो पाएगी लेकिन जब तक आतिशी शपथ ग्रहण नहीं कर लेती है मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जो है रहेंगे अभी जिस तरीके से दो तरफ से आम आदमी पार्टी जो है और दिल्ली सरकार दो तरफ से चीजों को झेल रही है जैसे एक तो ये कि आतिशी की जो शपथ ग्रहण है वो पूरी प्रक्रिया शुरू होनी है उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो उनका घर है जो सीएम आवास है वो खाली करने की भी प्रक्रिया है जिसमें अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सरकारी आवास देने की मांग की जिसको लेकर के भी राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है तो इन सब के बीच में जो है पूरे क्या प्रक्रिया आगे होनी है आज शपथ ग्रहण के बाद में ही पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं साथ में क्या किसी तरीके के और भी बदलाव मंत्रिमंडल में किए गए हैं क्या मंत्री मंत्रालय किसी और कुछ लोगों को दिए गए हैं या क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल में किए गए हैं क्या जो गोपाल राय है उनको कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं या आतिशी अपने पास में कौन कौन से मंत्रालय रखती है इस तरीके की जो डिटेल्स है वो आना बाकी है लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है वो क्योंकि एनसीटी यानी कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ये आम राज्यों के अलावा जैसे नहीं कामकाज इनका होता है ये पूरा का पूरा एलजी और राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी अलग होती है आम राज्यों के अलावा तो ये पूरी प्रक्रिया देखने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि और क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं या क्या किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होने वाली है For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.